ये कितना साफ दिख रहा है मुझे नहीं पता, क्या साफ दिख रहा है? ओके ओके, एक काम करो, एक सेकंड के लिए लाइट बंद कर सकते हो, तुमको आता है? हाँ, अब दिख रहा है। ये चित्र देख लो और मैं खत्म कर रहा हूं अब, क्योंकि मेरे पास में इसको पूरा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। घर जाके और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, घर जाके आराम से पढ़ लेना, लेकिन मैंने पढ़ रखा है इसलिए आपको बता रहा हूं। इस व्यक्ति को जो यहां पे लेटा है, मैं इसका नाम ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को नहीं मिला। इसका जो नाम मिला वो ये था, परमेश्वर का एक जन, बस इतना लिखा है, परमेश्वर का एक जन। तो ये जो परमेश्वर का एक जन है, इसको कहा था कि यरोबाम के पास जाओ, यानी कि यरोबाम के पास जाओ, जिसके 10-20 किंग थे, जो गलत था, नॉर्थ वाला, उसको जाके कहो कि ये जो तुमने दो गाय के बच्चे बनाए ये गलत है, प्लीज फोकस। और ये जो व्यक्ति था, या फोन बंद करो, ये जो व्यक्ति था ये गया जूडा की तरफ से कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। इस व्यक्ति ने, जिसको कहते परमेश्वर का जन, जैसे उसने कहा कि तुम्हारे दो गाय के बच्चे जिसको तुम वर्शिप कर रहे हो, गोल्डन काओ, ये गलत है, तो यरोबाम ने दूर से ऐसा इशारा किया, मेरा हाथ देख लो, दूर से इशारा किया, इसको कैद करो, इसको पकड़ो। जैसे उसने कहा इसको पकड़ो, उसका हाथ सूख गया, किसका? राजा का। और वो हाथ नीचे नहीं आ रहा, मतलब अटक गया उसका हाथ। किसने किया? परमेश्वर ने। जैसे उसको पता चला कि मेरा हाथ पैरालाइज या सूख गया, जो भी है, उसने जोर से चिल्लाकर उससे कहा, किससे? ये जो लेटा है, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा हाथ ठीक करा दे, जिसको भी तू मानता है उससे बात करके मेरा हाथ ठीक करा दे। उसने प्रार्थना करी, उसका हाथ ठीक हो गया। और जैसे ही राजा को पता चला, किसको? यरोबाम को, कि ये तो है ना, बोला एक काम कर, मेरे घर चल, खाना खा, मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे ठीक किया। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने साफ कहा था कि जब तू नॉर्थ में जाए तो वहां का रोटी छोड़, कपड़ा छोड़, गिफ्ट छोड़, पानी तक नहीं पीना। और इसने वैसा ही जवाब दिया। और ये सब कुछ खत्म करके जब एक पेड़ के पास बैठा था तो इसका नाम ढूंढ रहा था, जिसको कहते हैं परमेश्वर का एक बूढ़ा नबी, बुढ़ा नबी। मैं इसका नाम ढूंढ रहा था, नहीं मिला मेरे को, लेकिन नाम क्या मिला? बुढ़ा नबी। अब जब इसके बच्चे मार्केट में थे तो देखा था ये तमाशा, बाप के पास में गए, बोला पप्पा पप्पा आपको पता है एक प्रॉफिट आया था, उसने ऐसा किया ऐसा किया। अब इस बुढ़े को लगा कि अरे वाह, इतना अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, उसको घर बुलाता हूँ, पूरा पढ़ लेना, मैं एज इट इज बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़वा नहीं सकता। इस व्यक्ति ने दौड़ के गया गधे के ऊपर, ये उसका गधा है और ये इसका गधा है, ये वाला दौड़ कर गया, उसको जाके मिलता है, ऊपर से बुढ़ा है, कहता है कि मैं तुझे ढूंढता ढूंढता आया हूँ, क्या तू वही है जो आया था? बोला यस मैं वही हूँ। बोले काम करो, जल्दी चलो। बोला क्यों? मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा नॉर्थ में, आप समझ गए, वहाँ जहाँ 10 ट्राइब है वहाँ पर बैठना, तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। इसने साफ मना किया, मैं नहीं आ सकता। अब सुनो, ये यहाँ क्यों मरा पड़ा है, अब सुनो ध्यान से, सब तैयार? इस बुढ़े ने कहा आप चलो, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मुझसे बोला है तेरे को लाने के लिए। आप नहीं समझे अभी भी, वो स्वर्गदूत कौन हो सकता है, गैस करो जोर से। एग्जैक्टली, शैतान का दूत या शैतान खुद। इस व्यक्ति को जो बिशप है, ये बुढ़ा, इस व्यक्ति को जो अपोस्तल है, पास्टर है, सेवक है, इसने क्यों नहीं परखा कि ये जो स्वर्गदूत आया है ये परमेश्वर का नहीं है? वो छोड़ो, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये जो मरा पड़ा है। इसने पलट कर पूछना था कि अगर परमेश्वर तेरे को बता सकता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट, विरोधाभास नहीं करता। अगर ऐसा कहा है तो किसी और को वैसा, और यही वजह है कि बाबा और पापा के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि तुमको 2024 में बहुत सारे बुढ़े बाबा और पापा तुमको बहका सकते हैं। परमेश्वर का दास है, गलत कैसे हो सकता है? फिर ये क्या हुआ, बाहर सब ठीक है,
बाहर दूसरे चर्च के लोग आकर खड़े हैं क्या? नहीं था, अभी तक नहीं है ना कोई? हाँ ठीक है, फिर 12 बजे तक चलाता हूं मैं फिर से आ रहा हूं इस व्यक्ति को। नहीं, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, इसने पूछना चाहिए था ना। अच्छा, मेरे को तो परमेश्वर ने मना किया है कि रोटी छोड़ो, खाना छोड़ो, एक ग्लास पानी तक नहीं पीना। आपको पता है इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर था, एक काम करो फिर तो मैं चलता हूं। अच्छे से घर पर गया, वो भी कहां? नॉर्थ में, जबकि इसको नहीं जाना था। वहां बैठकर भी यानी खा रहा है। अच्छी खासी फेलोशिप हो गई, अच्छी खासी संगति हो गई। और जब ये सबको टाटा बाय बाय करके जब ये रास्ते में आ रहा था, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इस बब्बर शेर ने, जिसको मैं पढ़ता हूं तो लिखा लायन, शेर, सिंह, इसके ऊपर अटैक करता है, ना कि गधे पे, और सिर्फ इसको मार देता है। और ये देखता है कि ये मरा या नहीं, और ये मर जाता है, संतुष्ट होता है और वहीं पे बैठा रहता है, ना इसको खा रहा है ना इसको खा रहा है। वाह! और जब रास्ते में ये चित्र देख लो, जो रास्ते में लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये नजारा देखकर शौक हो गए, बोला ना शेर गधे को खा रहा है, ना आदमी को खा रहा है, और ना जा रहा है, आगे बोल दूं, ना खा रहा है ना जा रहा है। और ये नजारा देखकर इस बुढ़े को फिर बुलाया गया, ये देखो। अब ताज्जुब की बात क्या है पता है? ये बुढ़े को परमेश्वर खुद कहता है कि ये मरा इसीलिए क्योंकि तूने इसके साथ ऐसा किया है। अब इस बुढ़े को बाद में समझ में आया होगा ना कि जो स्वर्गदूत था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये यहां मरा पड़ा है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका कसूर है? ऑफ कोर्स इसका कसूर तो है ही, इसको नहीं सुनना था, लेकिन क्या इसका कसूर है? पूछ रहा हूं, इसका भी है। और ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है, ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है। अब इसको जिंदा करके तो नहीं बोल सकते कि भाई वापस नहीं करना, ये तो गया, लेकिन कम से कम आप और हम तो आज जिंदा है। तो मेरा जो मैसेज था वो यही था, नहीं बना रहा आरंभ की बातों में कौन ये व्यक्ति, एक दास ने दूसरे दास को मरवा डाला। सब खड़े हो जाए।